देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं कि लोग म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहां पे कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल की बात कर लूं तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, वो डरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करेंगे, ऐसे 5 कॉमन रीजन बताऊंगा जिसके वजह से लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और यहां पे वो अपने डर को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, म्यूचुअल फंड उनके लिए वरदान है। क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस के भले ही बहुत सारे स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, लाइक एफडी हो गया, आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम हो गया, तो बैंक का एफडी हो गया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनाना है तो या तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर या तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है तो उनको पता होता है कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, तो उनके भरोसे पे आप यहां पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम 5 कॉमन रीजन को अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफी काम की है, एंड तक जरूर देखना। तो यहां पे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसका जो सबसे पहला रीजन है वो है नो इन्वेस्टमेंट गोल। यानी कि लोगों के इन्वेस्टमेंट गोल्स ही नहीं है। अगर आपका गोल्स होगा तभी उस गोल्स को पूरा करने के लिए आप कार्य करेंगे, काम करेंगे। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट गोल होना काफी जरूरी है कि मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूंगा, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो यहां पे किसी का गोल्स ये हो सकता है कि मुझे आज से 10 साल के बाद में या तो 15 साल के बाद में एक घर खरीदना है। तो आज जो भी उस घर का कीमत होगा, डेफिनेटली 15 साल के बाद में उस घर का कीमत जो है वो आज से काफी ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से अगर वो घर आज 50 लाख रुपए का मिलता है तो डेफिनेटली 15 साल के बाद में वो घर हो सकता है 1 करोड़ रुपए का मिलेगा। तो आपका गोल्स ये होना चाहिए कि मुझे 15 साल के बाद में घर चाहिए जिसका कीमत होगा 1 करोड़ रुपया। तो आज से मैं 15 साल तक कितने पैसे हर महीने इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड के अंदर कि मेरा 1 करोड़ रुपया यहां पे बन जाए। और यहां पे म्यूचुअल फंड के मैं बात करूं, यहां पे मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की यहां पे बात कर रहा हूं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से किसी का गोल हो सकता है घर खरीदना, किसी का गोल यह हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है वो रिटायरमेंट के बाद में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला है, आपको रिटायरमेंट का कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपके दिमाग में यहां पर टेंशन होना चाहिए कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं काम करने लायक नहीं रहूंगा, जब मेरी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी तो उस टाइम पे मेरे खर्चे कैसे चलेंगे। तो यहां पे आपका रिटायरमेंट का गोल्स हो सकता है कि भाई मुझे 60 साल के उम्र के बाद में इतने पैसे मेरे पास में होना चाहिए जिससे मेरा उस पैसे को अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं तो मुझे जो मंथली इनकम आएगा उससे मेरा आराम से जीवन चल सके। तो किसी का गोल हो सकता है घर खरीदने का, किसी का गोल हो सकता है रिटायरमेंट का, किसी का गोल हो सकता है उसके बच्चे के एजुकेशन का। कि मान लो आपका जो बच्चा है वो आज 5th क्लास में पढ़ता है और कहीं से उसने किसी साइंटिस्ट का वीडियो देखा और उसके मन में आ गया कि मुझे भी ना साइंटिस्ट बनना है। अब साइंटिस्ट बनने के लिए उसके एजुकेशन पे आपको काफी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और वो क्योंकि अभी 5th क्लास में, आपके पास में काफी टाइम है 10 से 11 साल का कि आप उसके एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंट तरीके का गोल्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, घर लेना हो सकता है, वैकेशन पे जाना हो सकता है। गोल्स यहां पे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं और उस गोल्स को पूरा करने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे यहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि लंबे समय में आप अच्छा पैसा बना सके। और यहां पे आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कर देंगे, मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और यहां पे अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो रजत नाम का एक व्यक्ति है, रजत भाई है, जिनकी उम्र है 25 साल और रजत भाई यहां पे अभी 25 साल की उम्र में उन्होंने जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है और यहां पे उनको रिटायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। उनको पता है कि भाई आज से 60 साल के बाद में मेरी कंपनी मुझे पैसे नहीं देगी, मुझे रिटायरमेंट के लिए खुद पैसे यहां पे जमा करने पड़ेंगे। तो रजत भाई का एज है 25, 60 की उम्र में रिटायर्ड होंगे, यानी कि रजत भाई के पास में 35 ईयर है इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने का। तो रजत भाई ने डिसीजन लिया कि मैं हर महीने 5,000 रुपया किसी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और रजत भाई यहां पे हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहां पे जो रिटर्न्स है हम उसको 12% मान के चलते हैं। तो यहां पे जब रजत भाई की एज 60 साल हो जाएगी, जब रजत भाई अपने धंधे से रिटायर जॉब से रिटायर्ड हो जाएंगे तो जो हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे 35 ईयर्स तक, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12% के रिटर्न्स के हिसाब से कितना हो जाएगा आपको पता है?
3 करोड़ 24 लाख, यानी कि 3 करोड़ 24 लाख उनके पास में होंगे। अब वो उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यानी कि जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है कि एक पिंटू नाम का व्यक्ति है जिसका उम्र है 40 साल, और वो अपने 40 साल तक अभी तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। अब उसको भी समझ में आया कि मेरी कंपनी रिटायरमेंट के बाद में मुझे ज्यादा पैसा कुछ देने वाली नहीं है, मुझे असली में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो 40 साल की उम्र में उसको समझ में आया कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पिंटू भाई है वो भी 40 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो भी हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो रिटर्न है, हम पिंटू भाई का जो रिटर्न है उसको भी 12% मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जब पिंटू भाई रिटायर्ड होंगे 40 की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, और 60 की उम्र यानी कि उनके पास में 20 साल है, तो 20 साल हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में अगर मैं 12% के रिटर्न के हिसाब से बात कर लूं तो उनका कितना पैसा बनेगा, उनका सिर्फ बनेगा 50 लाख रुपए। यहां पे जो रजत भाई थे वो 25 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे, सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते थे, उनका कितना बन गया था 3 करोड़ 24 लाख। रजत भाई ने बहुत लेट स्टार्ट किया, 20 साल का ही इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उनके कितने बने सिर्फ 50 लाख। यहां पे जो पिंटू भाई है अगर वो हर महीने 30,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना 40 साल की उम्र से 60 के 20 साल तक, तो भी वो 3 करोड़ रुपया नहीं बना पाएगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली कहना ये है कि आप जितना जल्दी पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर हैं जिनका उम्र 30 साल से कम है, उनको तो ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरे पास में बहुत समय है, मैं बाद में पैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर आप बाद में पैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो भले ही आप महीने का ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे जितना कि आप 25 साल 24 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप एक यंग है 25 से 30 के बीच में है तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप एक अच्छा फंड मैनेजर चूज करके उनके पास में अपने पैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड रीजन है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का, वो है फियर ऑफ लूजिंग मनी, यानी कि पैसा खोने का डर। तो लोगों को ये लगता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड या तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पेशेंस का गेम होता है, यानी कि कुछ समय आपको रुकना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा लगा दिया और 3 दिन के बाद में 1 महीने के बाद में आप पैसे निकाल लेंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका यहां पे लॉस हो सकता है। दूसरी बात यहां पे यह हो सकती है कि हो सकता है आपको उस चीज के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कि आप अपने जीवन में इतना पैसा कमा रहे हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और अगर आपके पास में थोड़ा सा नॉलेज नहीं जिसके वजह से आपका पैसा डूब सकता है, तो डेफिनेटली उस मेहनत की कमाई को बचाने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो भी वीडियो देख लेंगे तो आपका जो काफी डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्योंकि आपका जो कमाई का पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर भी 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आपका दोस्त ये कह रहा है तो बिल्कुल सही कहता होगा, तो आप उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है, अब मान लो उसका देख देख के आपने भी पैसा उससे पूछ के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, उसको भी ज्यादा ज्ञान नहीं था, अब आपको भी ज्यादा ज्ञान नहीं, अब मार्केट में मान लो डिप आया, स्टॉक यहां पे नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो वो अपने पैसे निकालेगा, उसका देख के आप भी अपने पैसे निकालोगे, तो यहां पे आपका लॉस हुआ और यहां पे आप अपने पैसे को निकालते हो। तो यहां पे किसी के ऊपर भी आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसका जो एक्शन होगा सेम एक्शन आप भी लोगे। उसके अलावा एक गलती लोग ये भी करते हैं कि एक टाइम पे होता था कि आपके जो भी मतलब फैमिली मेंबर में कोई होते थे जो आपको LIC पॉलिसी बेचते थे, और हमारे जो भी फैमिली है उनसे हम LIC पॉलिसी परचेस करते थे। अब म्यूचुअल फंड में भी यही हो रहा है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम में वो आपसे पैसा इन्वेस्ट करवा लेते हैं, जबकि उनके पास में भी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब आपने उनके कहने पर आप कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, क्या किया, अब यहां पर आपने क्योंकि रिसर्च नहीं किया, तो यहां पर जो आपका रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर सिंपली कहना यह है कि आप बेसिकली यूट्यूब पर थोड़ा बहुत सर्च करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, आप 5-6 वीडियो देखेंगे तो उसमें एक दो कॉमन म्यूचुअल फंड होगा, तो आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस जो कॉमन म्यूचुअल फंड आप निकाल के लाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करें, तो इस तरीके से आप एक अच्छा डिसीजन यहां पे ले सकते हैं। तो नॉलेज लेना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करें तो ये आपके मतलब मेहनत की कमाई है, इसको आप अपने सूझबूझ से खर्चा करें। उसके बाद यहां पे थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में ही बताया कि ये आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहां पे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि फंड मैनेजर का जो काम है वो करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप किसी के ऊपर भी 100% डिपेंडेंट ना हो। तो थोड़ा बहुत यहां पर आपका जो टाइम है वो लर्निंग के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर फोर्थ पॉइंट आता है Not having enough capital। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिनिमम 500 रुपए से भी हर महीने SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जहां पे आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और यहां पर जो आपका रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा कि आपने किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगाया, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपने मान लो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 500 रुपए लगाए, तो वो 500 रुपए आपका किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। तो यहां पे क्योंकि आपका पैसा बहुत अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है, तो अगर एकाध कंपनी बंद भी हो गई तो उतना फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और क्योंकि आपका फंड मैनेजर काफी होशियार है तो वो न्यूज को देखते रहेगा कि अगर कोई भी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वहां से स्टॉक बेच के निकल के वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ये काम बेसिकली फंड मैनेजर का होता है। तो इस तरीके से आपके पास में ज्यादा कैपिटल नहीं है तो आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट यहां पे कर सकते हैं। अब यहां पे फिफ्थ पॉइंट में लोगों का कहना है कि जो इक्विटी है वो ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा रिस्क होता है, इसके लिए लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है, इक्विटी म्यूचुअल फंड आर रिस्की, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर सबसे पहला आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वहां पर आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी पड़ेगी, और वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन यहां पे जो आपका फंड मैनेजर है उसका काम है वो रिस्क को किस तरीके से कम करता है, कौन सा स्टॉक लेता है, कौन सा स्टॉक बेचता है। तो एक तरीका यहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा यहां पे ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो पैसा है वो मल्टीपल कंपनी के शेयर में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो यहां पर एकाध कंपनी बंद भी हो गया तो भी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। और यहां पर तीसरी बात यह है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कम से कम आपको 7-8 साल के लिए पैसे यहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि यहां पे लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यह भी हो सकता है कि आप अपने पैसे गवा सकते हैं। उसके अलावा यहां पर इक्विटी का एक रूल यह भी आता है कि आपको इक्विटी मार्केट के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा जनरल रूल बनाया गया है कि 100 में से आप अपने एज को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे का एज है 30 साल, तो 100 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो 70 आएगा, तो 70% वो अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, और बाकी का जो उसका पैसा है वो डेब्ट वगैरह में, पोस्ट ऑफिस के स्कीम वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान लेने की जरूरत है, और इस तरीके से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी फ्यूचर गोल्स है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यह भी बताया था कि मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना ऊपर आई बटन में, या तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।